देख रहे हैं खटपट न्यूज़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खुलकर केंद्रीय कृषि बिल का विरोध किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ जाएगी। सीएम ने कहा, मोदी सरकार कृषि बिल पास कर निजी मंडी लाकर राज्यों की मंडी को बंद करना चाहती है, जिसका सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा। आगे कहा कि गड़बड़ी होने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, वहीं अब नया कानून आने से खुलेआम गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। किसानों के बेहतरी की जानकारी नहीं रहती और इसे उत्तर पश्चिम राज्यों के बड़े किसान मात्र बेहतरी का लाभ उठा पाते हैं, जो कि सरासर झूठ है। छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसानों ने धान बेचा, 20 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया, इसका मतलब 85 से 90% किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में न केवल एमएसपी का लाभ मिला है, बल्कि उसके अतिरिक्त राशि भी 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीदा था पिछले वर्ष। 22 साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया। बताते चले कि मोदी सरकार के कृषि बिल को लेकर देश के अलग अलग राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस भी मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रही है। पंजाब हरियाणा के साथ अब छत्तीसगढ़ सरकार भी खुलकर बिल का विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, रायपुर।